मित्रों, आज हम उसी के क्रम अनुसार में आगे बढ़ते हैं और अध्याय 11 में हम प्रवेश करते हैं। अब हम अपने प्रभु के सांसारिक जीवन के अंतिम दिनों की ओर आ रहे हैं। मैंने इस अध्याय को निम्न वर्गों में विभाजित किया है, इसलिए आप इसे ध्यान दें। पहला है, यीशु अपने आप को सार्वजनिक रूप से मसीहा प्रकट करता है। इसे हम पद 1 से 11 में पाते हैं। दूसरा, यीशु अंजीर के वृक्ष को श्राप देता है, पद 12 से 14 में। तीसरा, यीशु मंदिर का शोधन करता है, अर्थात शुद्ध करता है, पद 15 से 21 पद में। चौथा है, यीशु की प्रार्थना, पद 22 से 26 पद में। पांचवा है, यीशु धर्म के अगुओं को विचलित करता है, पद 27 से 33 पद में। मित्रों, इस अध्याय में उन 3 दिनों का वर्णन है जब यीशु यरूशलेम में था। मैं अपनी ओर से तो यह कहूँगा कि उसकी विजय यात्रा कदापि विजय यात्रा नहीं थी। उसका यरूशलेम आगमन सार्वजनिक उल्लास के साथ अवश्य था, परंतु केवल इसलिए कि वह अपने आप को पकड़वा दे। वह वहाँ लगातार 3 दिन तक आता रहा। मेरे विचार में प्रत्येक सुसमाचार वृत्तांत उसके यरूशलेम आगमन का भिन्न प्रवेश प्रदान करते हैं। पहले दिन जब वह आया था, तब वह शब्द का दिन था। वह रविवार को फिर से आया और उसने मंदिर का शोधन किया, अर्थात शुद्धिकरण की। सोमवार को जब वह आया तो वह उस नगर के लिए रोया। हम मार्कुस 11 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। मित्रों ध्यान दें, हमने पिछले कुछ अध्यायों में देखा कि यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर हैं। वह स्थान स्थान होकर तो आगे बढ़ ही रहे थे, परंतु वह समय के अनुसार भी अपनी मृत्यु के निकट आते जा रहे थे। यह उसके सांसारिक जीवन का अंतिम सप्ताह है। बैतफगे और बैतनिय्याह जैतून के पर्वत की दूसरी ओर 2 छोटे-छोटे नगर थे। मेरे विचार में यदि कोई वहां जाए तो कार या बस से वहां का भ्रमण करने की अपेक्षा पैदल चले और मार्ग में पथिकों से बातचीत करे तो उसे अनेक ऐसी बातें पता चलेंगी जो एक आम पर्यटक नहीं देख पाता या नहीं जानता या नहीं समझ पाता है। अब यीशु अपने 2 शिष्यों को निर्देश देते हैं और आगे हम पढ़ते हैं मार्कुस 11 के 2 और 3 पद में कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। मित्रों, इस गधी के बच्चे के बारे में 2 मत हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर हैं और सर्वव्यापी होने के कारण वह उसके बारे में जानता था। यह एक आश्चर्यकर्म था। दूसरा मत यह है कि इसकी पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी थी। इस प्रकार यह पूर्ण रूपेण मानवीय व्यवस्था थी, कोई आश्चर्यकर्म नहीं। मैं यह मानता हूँ कि हमारे प्रभु ने पहले से ही व्यवस्था कर दी थी और यदि आप इसे इस रूप में ग्रहण करें तो इसमें आपको अधिक अर्थपूर्ण संदेश ग्रहण होगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, अर्थात प्रभु को इसका आवश्यकता है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। इसे अधिकार प्रदर्शन कहते हैं। मित्रों, जब कुछ लोग उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे तब वहाँ ऐसे मनुष्य भी थे जो उसके साथ सहयोग कर रहे थे और उसका आज्ञा पालन कर रहे थे, वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। यह बात 1900 वर्षों से सच है। आज भी ये 2 मानव श्रेणियाँ हैं। आगे पढ़ने पर हमें ज्ञात होगा कि यीशु ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही उन्होंने पाया। मार्कुस 11 उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया, तब उन्होंने उन्हें जाने दिया। मित्रों, यहाँ आप देखेंगे कि वे उसके निर्देशों का पालन करते हैं और गधी के बच्चे के साथ लौट कर आते हैं। तब हम मार्कुस 11 उसके 7 पद से लेकर 9 पद में आगे पढ़ते हैं,
और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मित्रों, मेरे विचार में यरूशलेम वासियों के लिए यह एक प्रभावशाली बात रही होगी, परंतु रोम वासियों के लिए नहीं, क्योंकि कभी किसी कैसर ने विजय यात्रा की थी, उसके पास लूट का भंडार और इतने अधिक बंदी थे कि उसकी परेड 3 दिन और 3 रात तक चलती रही, और यही विजय यात्रा थी। मित्रों, यहाँ तो केवल कुछ गलीलवासी हैं और कुछ किसान थे, परंतु यहाँ जो मुख्य बात थी वह यह थी कि प्रभु अपने आप को सार्वजनिक रूप से जोखिम में डाल रहे थे, खुलकर सामने आ गए थे। तब हम मार्कुस 11 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। यहाँ देखने योग्य 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। वह सप्त का दिन था और सर्राफ तथा बैल वहाँ नहीं थे। पहले दिन वह याजक स्वरूप वहाँ आया था और बलि का मेमना भी वहीं था। वह महान महायाजक स्वरूप वहाँ आया था कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाए, जो आपके और मेरे पापों के लिए था। वह रात उसने यरूशलेम में नहीं बिताई थी, वह बैतनिय्याह लौट गया था। उस समय यीशु ने अपने आप को उस नगर में सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया था और वह चाहता था कि मनुष्य निर्णय ले। यीशु ने वहाँ रात नहीं बिताई क्योंकि उस नगर ने उसे स्वीकार नहीं किया था। हम मार्कुस 11 उसके 12 से 14 पद में पढ़ते हैं, दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। मित्रों, यह अगले दिन की घटना है। वह अधिकार से वहां आया और उसने मंदिर का शोधन किया। उसी दिन उसने अंजीर के वृक्ष को श्राप भी दिया था। मंदिर शोधन की घटना ने बड़ा मतभेद खड़ा कर दिया। मेरे विचार में अंजीर का पेड़ इसराइल जाति का प्रतीक है। यहाँ कुछ लोगों में मतभेद है, परंतु मैं विवाद में पड़ना नहीं चाहता। मेरे लिए जो रुचि का विषय है वह इसमें निहित सबक है। इसराइल में पत्ते बहुत अच्छे और हरे भरे थे, परंतु फल नहीं थे। हम आज की कलिसियाओं में या कलिसिया के लिए भी यही कह सकते हैं। लौदिकिया की कलिसिया के लिए भी प्रभु का यही संदेश था। वे अंधे थे और उन्हें आँखों को खोलने के लिए मरहम की आवश्यकता थी। इसका अर्थ यह है कि उनमें पवित्र आत्मा का वास नहीं था। मेरे विचार में यशाया भी यही कहता है। यशाया नबी की पुस्तक 29 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मेरे मित्रों, मेरा मानना है कि आज कलीसिया की भी यही दशा है। प्रभु यीशु ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया और वह वृक्ष सूख गया। हम मार्कुस 11 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दीं। यहूना के अनुसार यीशु ने अपनी सेवा के आरंभ में मंदिर का शोधन किया था, अब वह अपनी सेवा के अंत में मंदिर का फिर से शोधन करता है, अर्थात शुद्ध करता है। यह रविवार का दिन था, शब्द का दिन नहीं। मंदिर की मुद्रा अलग थी, अतः श्रद्धालुओं को बलि का सामान खरीदने के लिए मंदिर की मुद्रा का विनिमय करना होता था। मुद्रा विनिमय में अर्थात लेन देन में दलाली कटती थी, जो एक अच्छा व्यापार था, परंतु यीशु के कथनानुसार वह एक डकैती थी, वह एक धार्मिक ठगी का धंधा था। मेरे मित्रों, मसीही संस्थाओं में या संस्थानों में यह एक अति समस्या या संकट है, इसलिए उनके सहयोगियों को दान देते समय परखना चाहिए, अर्थात परख कर देना चाहिए। प्रभु यीशु द्वारा अपने आप को मसीह प्रकट करने का वह सार्वजनिक कार्य विजय यात्रा नहीं थी, वह अस्वीकार किया गया था। मुझे यह शब्द विजय यात्रा स्वीकार नहीं है। आप उस दिन की प्रतीक्षा कीजिए, वह फिर से आएगा।
उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:16-17 में हम इसे पाते हैं। मित्रों, उस समय आप उन विश्वासियों की भीड़ को देखेंगे जिन्होंने 19 वर्षों से पहले प्रभु में विश्वास किया। अरबों विश्वासी होंगे। मेरे मित्रों, यही वास्तविक विजय यात्रा होगी और मेरे विचार में वह बहुत समय तक चलती रहेगी। पुनरुत्थान और उठाया जाना तो सेकंड के हजारवें भाग में हो जाएगा, परंतु मसीह अपने लोगों को नए घर में ले जाएगा। उसमें समय लगेगा। यह नया स्थान नया यरूशलेम होगा। कैसा महिमामय समय होगा। वाह, वास्तविक विजय यात्रा यही है। अब तीसरा दिन हम आगे देखते हैं। मार्कुस 11:20-21 में लिखा हुआ है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पत्रस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मित्रों, वे पेड़ को देखकर कि वह सूख गया है अचंभा करने लगे थे। इस पर यीशु ने उन्हें सच्ची प्रार्थना की शक्ति समझाई। मार्कुस 11:22 लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रार्थना का प्रथम चरण है परमेश्वर में विश्वास। इब्रानियों की पुस्तक के लेखक ने भी यही सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे हम इब्रानियों के पत्री 11:6 में पढ़ते हैं। लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मित्रों, यदि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो नास्तिक का कहना सही है कि प्रार्थना करना पागल व्यक्ति का अपने आप से बातें करना है। अतः परमेश्वर में विश्वास प्रार्थना का पहला चरण है। मार्कुस 11:23 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मित्रों, यह पद आज बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। विश्वासी को यथार्थ में पहाड़ नहीं हटाना है, उसे जीवन निर्वाह के लिए और चिंताओं के पहाड़ों को हटाने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, जिसे हम इफिसियों 3:16 में पढ़ते हैं। लिखा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मित्रों, निसंदेह हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व में आत्मा के सामर्थ से बलवंत होना है। यह पहाड़ हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने यह उदाहरण इसलिए दिया कि हम प्रार्थना के सामर्थ को समझ पाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इसे नहीं समझते हैं। मार्कुस 11:24 हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर में विश्वास करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने स्वार्थ सिद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो, अपितु यह कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। आगे हम मार्कुस 11:25-26 में पढ़ते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। प्रार्थना सुने जाने से पूर्व की यह शर्त है। क्षमाहीन आत्मा प्रार्थना के सामर्थ्य को प्रभावहीन बना देती है। परमेश्वर ने हमें मसीह के कारण क्षमा कर दिया है। इफिसियों की पत्री 4:32 हम पाते हैं, अतः आपको और मुझे प्रार्थना का सामर्थ्य पाने के लिए क्षमा की आत्मा में रहना अति आवश्यक है। देखिए, महायाजक यीशु को फंसाने के लिए आप क्या करते हैं, वे उसके पास आते हैं। मार्कुस 11:27-28 हम पढ़ते हैं, वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है,
और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। मित्रों, घृणा से भरे उसके जाने दुश्मन उसके पीछे लगे हुए हैं। वे अपने धर्म के अधिकृत अगुए थे। उन्होंने यीशु को कोई अधिकार नहीं दिया था, अतः वे जानना चाहते थे कि उसे अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है। तब हम मार्कुस 11 उसके 29 और 30 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था वा मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। यह प्रश्न धर्म के अगुओं को ही फंसा देता है। यदि वे कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था तो उन्होंने उसको अस्वीकार क्यों किया? यदि वे कहते हैं कि मानवीय था तो जनता उनके विरोध हो जाती, अतः वे चुप रहे। तब हम आगे मार्कुस 11 के 31 से 33 पद में पढ़ते हैं। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता है। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। मित्रों, इससे आप यह अर्थ ना निकालें कि यीशु को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था, या यीशु को उनके प्रश्नों के उत्तर से बचने का मार्ग मिल गया था। मित्रों, वे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं चाहते थे, वे यीशु को फंसाना चाहते थे कि उसे पत्थरवाह करें। मेरे लिए यह यीशु के ईश्वरत्व का एक महान प्रमाण है। मित्रों, जब मनुष्य यीशु के पास हार्दिक इच्छा से आया कि प्रश्नों का उत्तर पाकर अंतर्दृष्टि प्राप्त करे, तब यीशु ने उन्हें प्रश्नों के उत्तर दिए। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने कुछ विषयों को देखा कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर एक वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष ढूंढ कर निकालना चाहते थे ताकि उसे नाश करें, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और वे इस मनसा के साथ आए ताकि वे अच्छी बातों को सीखें, और जिसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिया, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे और जो अन्य प्रकार की बीमारियों में थे, उनको उनका उत्तर उसी रूप में मिला। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया। मेरे मित्रों, आज हम भी यदि प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं अपने प्रश्नों के साथ में, अपने तकलीफों के साथ में, सही मनसा के साथ, सही विचार के साथ, तो निश्चय जाने कि आज भी वह हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। वे हमें अपनी आशीषें देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार में भजनकार अपने वचन में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। हाँ मेरे प्रिय, सच है कि हम जब परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो निश्चय ही वह हमें लज्जित नहीं होने देता है और हमें अपनी आशीषें देता है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज आप उसके पास आएं।